तो अगर ये क्लियर है तो वी कैन गो एंड वी कैन गाइस, हम लोगों ने कल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कल हमने वेब टेबल हैंडल करना सीखा, आज हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, थोड़ा टेबल की तरह भी होता है या फिर टेबल की तरह नहीं भी होता है, दैट इज हाउ टू हैंडल और स्पेसिफिक अगर मैं बोलूंगा गाइस इसको, तो इसको बोलते डेट पिकर, डेट पिकर को कैसे हैंडल किया जाता है ये हमें सीखना है गाइस। आई होप यहाँ पे कुछ ना कुछ डेट पिकर डेफिनेटली होना चाहिए। ऑल राइट, आई थिंक इनसाइड द विजिट्स गाइस दिस वन, अगर आप देखोगे ये डेट पिकर, ये डेट पिकर को कैसे हैंडल करना है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो गाइस क्या मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ? यस आई एम एबल टू टाइप इट, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो जैसे अगर मुझे लेट्स से मुझे यहाँ पर क्या करना है, कुछ डेट ऐड करना है, लेट्स से कि मुझे व्हाट आई कैन से, मुझे 30 जून चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मंथ रिफ्रेश कर दिया, मंथ मंथ चेंज कर दिया, 6th मंथ कर दिया एंड दैट्स इट गाइस, इतना मैंने कर दिया, ये डेट सेट हो गया, राइट एवरीवन, जो डेट है 30th जून सेट हो गया। ये एक तरीका है, ये एक टाइप के डेट पिकर होते हैं एवरीवन, दिस टाइप ऑफ डेट पिकर यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व इट। तो इसको कुछ अलग नहीं करना है गाइस, इसको आपको पता है, इसको कैसे हैंडल करोगे, यू नीड टू फाइंड आउट द एक्सपाथन, और यहाँ पे सिर्फ क्या कर दोगे आप लोग क्या कर दोगे, सेंड कीज सेट करोगे, केस सेंड कीज करो कर दोगे, ये हैंडल हो जाएगा, दैट इज वेरी ट्रू, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। बट अगर हम लोग और कॉम्प्लेक्स चीजों में जाते हैं, अगर हम लोग और कॉम्प्लेक्स चीजों में जाते हैं, कभी कभी आपको इस तरीके से कुछ सिंपली आप लोगों को इस तरह के डेट पिकर मिलेंगे, यू कुड बी एबल टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ डेट पिकर्स एवरीवन। तो ये अगर डेट पिकर्स देखोगे गाइस, क्या मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ, एम आई एबल टू डू दैट, क्या मैं यहाँ पे डेट नहीं। ऐड कर पा रहा हूँ, नहीं राइट, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, आपको यहाँ से यूआई से डेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर डेट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, आपको यहाँ से ही डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे 17th डेट चाहिए तो 17th को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर मुझे प्रीवियस मंथ का डेट चाहिए, आई नीड टू गो टू द प्रीवियस मंथ, मुझे प्रीवियस मंथ में जाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से मुझे डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई वॉन्ट बी यू एबल टू यूज द सेंड कीज ओवर हियर, मैं यहाँ पे सेंड कीज नहीं कर सकता। तो गाइज डेट पिकर को भी सेपरेट टॉपिक मुझे बताना ऐसी जरूरत नहीं है, अगर किसी ने मुझे बताओ गाइज, आप लोगों ने एक्शन क्लास अगर यूज किया होगा, डोंट यू थिंक कि हम लोग माउस एक्शन से यहाँ पर माउस ओवर करके इसको क्लिक कर सकते हैं, थोड़ा इफ एल्स कंडीशन वगैरह दे के या फिर वाइल लूप लगा के यहाँ पर भी हम लोग कंडीशन दे सकते हैं, वी कैन गो टू द पर्टिकुलर वेब एलिमेंट एंड वी कैन क्लिक इट, वेरी सिंपल, इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, वी कैन डू दैट एवरीवन, हम लोग इसको कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, वी कैन डू दैट। और एक तरीका है गाइज इसको हैंडल करने का, कि हम लोग यहाँ पर, और गाइज अगर मैं आपको स्पेसिफिकली अगर बताऊंगा, तो आप ऐसे सिनेरियोस जब रियल टाइम में काम करोगे तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके करने के बहुत तरीके हैं, इसको गूगल करना आना चाहिए आपको। सो लेट्स से हाउ टू हैंडल डेट पिकर इन सिलेनियम, सिलेनियम में आप डेट पिकर कैसे हैंडल करोगे, सो यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, ठीक है। सो सिंपल, हाउ टू हैंडल डेट पिकर इन सिलेनियम यूजिंग सेट डेट, यूजिंग सेट डेट कैसे आप करोगे, तो इसके भी आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू दैट। तो थोड़ा स्टैक ओवरफ्लो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे डेवलपर्स के कुछ ना कुछ कोड मिल जाएंगे, दे वुड डेफिनेटली यू नो अलाव यू, दे विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू कि इसको कैसे किया जाता है, ठीक है एवरीवन। तो अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो इन लोगों ने इनका लॉजिक भी दिया होता है कि इन्होंने क्या किया है, और ये लोग जो डेवलपर्स होते हैं, जो कम्युनिटी डेवलपर्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको आंसर्स वगैरह पोस्ट कर देंगे। तो दिस इज द वन, आई मीन हर एक जन अपना अपना कुछ लॉजिक शेयर करेगा, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एवरीवन, यू कैन यूज दैट स्पेसिफिकली। आप लोग देखो यहाँ पर इन लोगों ने
कुछ रिमूव एट्रीब्यूट वगैरह यूज किया है, वी कैन ट्राई दैट। हम लोग ऐसी सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। तो ये कुछ मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा, दैट वी कैन डेफिनेटली ट्राई इट, वी कैन डेफिनेटली ट्राई इट एवरी वन। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी टेल यू, ये जो अभी मैं आपको तरीका सिखाऊंगा दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वन। ये आपको पहला वाला तरीका अप्रोप्रिएट नहीं है, बट स्टिल आपके पास टाइम कम है और ये अगर आपके यूआई पे चल जाता है गाइस, दिस कैन सेव अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑफ योर्स। तो आपको आपका फ्लेक्सिबिलिटी और ये अगर कोड अप्रूव हो जाता है आपके आपके कोड रिव्यूअर से, तो ये तरीका चल जाएगा गाइस, डेफिनेटली वी कैन डू दैट। तो मैं आपको सिंपली गाइज, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाऊँगा, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट देखेंगे गाइज। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गाइज ये आईडी है, सो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैं यूज करता हूँ। लेट्स से ऑल राइट, व्हाट वाज दैट, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी में गाइज आई कैन सिंपली पास दिस आईडी। मैं ये जो मैंने आईडी फाइंड आउट किया है ये मैं पास कर सकता हूँ। जैसे ही मैं पास करूंगा तो देखो गाइज ये डेट पिकर मुझे मिल रहा है, दिस डेट पिकर आई एम गेटिंग, यू कैन सी इट राइट। तो ये डेट पिकर पे गाइज सिंपली ये जो डेट पिकर है यहाँ पर ऑफ जीरो हम लोग इंडेक्स लगाएंगे, डॉट रिमूव एट्रीब्यूट या फिर डायरेक्टली डॉट ओके। यहाँ पर नहीं वर्क कर रहा है कि ये गेट एलिमेंट, ओके डायरेक्टली रिमोट एट्रीब्यूट यूज किया है इन लोगों ने। ओके सो लेट मी यूज दिस, आई थिंक यहाँ पर वो वर्क नहीं करेगा, बट लेट्स ट्राई इट एवरी वन। तो यहाँ पर मैं डॉट रिमूव रिमूव एट्रीब्यूट रिमूव एट्रीब्यूट रिमूव एट्रीब्यूट में गाइस कौन सा एट्रीब्यूट आप रिमूव करना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहना एवरीवन। देखो यहाँ पे ये जो रीड ओनली है, ये रीड ओनली दिख रहा है एवरीवन, ये रीड ओनली एट्रीब्यूट गाइस, ये यस रीड ओनली एट्रीब्यूट, ये रीड ओनली एट्रीब्यूट मतलब ये सिर्फ रीड होगा, यू वोंट बी एबल टू राइट इट। अगर मैं ये रीड ओनली एट्रीब्यूट को ही जावास्क्रिप्ट से निकाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो सिंपली मैं ये रीड ओनली एट्रीब्यूट को यहाँ से रिमूव करने का बात कर रहा हूँ। तो देखो ये मैंने यहाँ से रिमूव करने का ट्राई कर दिया, ओके सॉरी नॉट दिस वन। सो ये जो रीड ओनली एट्रीब्यूट है लेट मी कॉपी इट, एंड ये वाला एट्रीब्यूट मैं रिमूव करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके सो मुझे ये वाला एट्रीब्यूट रिमूव करना है, सो वी कैन ट्राई दैट। और ये जब हम लोग रिमूव करेंगे एवरीवन, ये रिमूव करेंगे तो हमारा काम डेफिनेटली यहाँ पर हो जाना चाहिए। ओके सो रिमूव एट्रीब्यूट, ये हम लोग रिमूव एट्रीब्यूट कर लेंगे, दैट्स इट। रिमूव एट्रीब्यूट को हम लोग रिमूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऑलराइट सो एवरीवन लेट्स ट्राई टू डू दैट, लेट्स ट्राई टू डू दैट। हम लोग इसको कोड के थ्रू करेंगे। सो सिंपली लेट मी कम अप समवेयर हियर, फिलहाल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और लेट्स क्रिएट थोड़ा सा गाइस। आज का लेक्चर हो सकता है बहुत सारे लोगों को बोरिंग जाए, बहुत सारे लोगों को बाउंसर भी जाए, बट एवरीवन ये बोरिंग चीज़ें अगर रहेगी भी तो आपको इसको थोड़ा सा अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको रियल टाइम बेसिस पे इसका यूज़ होने वाला है। तो ये माई डेट पिकर वन है एवरीवन, ये माई डेट पिकर वन को मैं यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ। नाउ सिंपली व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली कॉपी पेस्ट दिस थिंग्स, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आई कैन डू द कॉपी पेस्ट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं जाके एवरीवन मैं यहाँ पे जाके यूआरएल को अपडेट कर दूंगा, विच यूआरएल आई वांट दिस यूआरएल, मुझे ये वाला यूआरएल चाहिए। तो ये वाला यूआरएल मैंने यहाँ पे पास कर दिया। देन गाइस सबसे पहले मुझे फाइंड एलिमेंट करना पड़ेगा, एंड यू नो हाउ टू फाइंड आउट द वेब एलिमेंट। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आप मेथड यूज करोगे, यहाँ पर बाई डॉट एक्सपाथ यूज करोगे, एक्सपाथ के अंदर एवरीवन इनसाइड द एक्सपाथ जस्ट सिंपली आपको किसको हैंडल करना है, यू नीड टू हैंडल दिस वन राइट। आपको इसको हैंडल करना है, इसका एक्सपाथ फाइंड आउट कर लो। हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपाथ, यू नो इट। तो ये मेरा आईडी है डेट पिकर, ये ले लेता हूँ मैं, ये इनपुट टैग है, तो ये इनपुट टैग एट द रेट आईडी इज इक्वल्स टू लाइक दिस।
इस तरीके से आप लोगों ने इसका एक्सपाथ फाइंड आउट कर लिया, यू फाउंड द एक्सपाथ ऑफ इट। और जैसे आपको ये एक्सपाथ मिल गया, टेक दिस एक्सपाथ, ये एक्सपाथ ले लो, यहाँ पर आप एक्सपाथ यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, दैट्स इट। ये आपका वेब एलिमेंट है, तो इसको वेब एलिमेंट में स्टोर करोगे। एवरी वन यू विल स्टोर इट इन अ वेब एलिमेंट। लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ डेट पिकर वन, डेट पिकर वन, लाइक दिस डेट पिकर वन करके मैं इसको स्टोर करता हूँ। इसको वेब एलिमेंट को इम्पोर्ट कर लूँगा मैं फ्रॉम अ सिलेनियम। सो वंस आई एम डन विथ इट, मेरा जैसे ही ये काम हो जाएगा, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करना कि ये मैंने वेब एलिमेंट फाइंड आउट किया है। अभी मुझे यहाँ पे सेंड कीज नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू डू द सेंड कीज बिकॉज ऑफ दिस रीड ओनली एट्रीब्यूट। तो आप अभी देखोगे गाइज, यहाँ से रीड ओनली एट्रीब्यूट यहाँ से हट गया है, दैट रीड ओनली एट्रीब्यूट इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर। नाउ इफ़ यू कैन डू इट हियर गाइज, क्या आप यहाँ पर अभी डेट ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एवरी वन आप डेट ऐड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? सो दैट्स वॉट आई एम रेफरिंग टू। अभी ये हो गया, दैट्स इट, ये डेट सिलेक्ट हो गया, ये डेट सिलेक्ट हो गया गाइज, दिस डेट इज गॉट सिलेक्टेड। नाउ यू कैन सी 12th of May 2021, बिकॉज यहाँ से ये रीड ओनली एट्रीब्यूट आपने रिमूव कर लिया है। तो अगर ये जावा स्क्रिप्ट से आपका, हमने क्या किया था, हमने कंसोल पे जाके कुछ ये वाला कमांड रन किया था। एवरी वन वी हैव यू नो रन दिस जावा स्क्रिप्ट कोड, और यही कोड मैं अभी सिलेनियम से रन करूँगा। सो सिलेनियम में जावा स्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं एवरी वन? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर हमारा इंटरफेस है। इसका आप लोग क्या क्रिएट करोगे, एक वेरिएबल, इसको कास्ट करोगे विद द ड्राइवर। सो यहाँ पर आप लोग ओके, आपको ब्रैकेट का थोड़ा डिफिकल्टी जाता है राइट, तो यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर और ब्रैकेट में ओके, या फिर जावास्क्रिप्ट को आप ब्रैकेट में डाल दो राइट, लाइक दिस यू कैन डू इट, और इसके बाद आप ड्राइवर को स्पेसिफाई करो, दैट्स इट। इस तरीके से आपने इसको कास्ट कर दिया। वंस यू डन विद द कास्टिंग, इसको इंपोर्ट कर लो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को, डन। नाउ यू डन, यू क्रिएटेड द जावास्क्रिप्ट यू नो वेरिएबल, ये js डॉट गाइज, आप एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेथड को कॉल करोगे, असिंक्रोनस की सिंक्रोनस जो भी है, आप एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेथड को कॉल करोगे। यहाँ पर एवरी वन वॉट वी नीड टू सपोज टू डू, तो हम लोग सिंपली जो भी हमारा कोड है, वॉट एवर आर कोड इज, ये या तो आप ये वाला कोड यूज करो, या फिर एवरी वन इन लोगों ने कैसे यूज किया है ये देख लो। तो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी किया है। ओके सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी अगर करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ जीरो भी कर सकते हैं हम लोग ट्राई। सो लेट मी ट्राई, यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था दैट एट्रीब्यूट्स ऑफ जीरो डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, आप रिमूव एट्रीब्यूट मेथड को यूज करो, ठीक है। रिमूव एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट आपको रिमूव करना है आप बताओ इनको, कि मुझे रीड ओनली एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, आई वॉन्ट टू रिमूव द रीड ओनली एट्रीब्यूट। एंड वेर इज दैट, कहाँ पर किया था हमने, दिस वन। सो इसमें रिमूव एट्रीब्यूट ये वाला रीड ओनली है, तो दिस रीड ओनली आई कैन पास इट हियर, आई कैन पास दिस रीड ओनली एट्रीब्यूट हियर, इस तरीके से मैं पास कर सकता हूँ। यहाँ पर सेमी कॉलन डन, एंड यहाँ पर मेरा स्क्रिप्ट खत्म हो गया, तो ये डबल कोट्स मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। एट्रीब्यूट्स ऑफ जीरो डॉट रिमूव एट्रीब्यूट मेथड को मैंने कॉल किया, और किसका करना है, सेकेंड आपको डेट पिकर वन का करना है, ये वेब एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर दो, डन। यू विड बी एबल टू डू दैट। नाउ ये होते ही गाइस, ये होते ही सिंपल से इस डेट पिकर में डॉट मैं सेंड कीज मेथड यूज करूंगा, एंड सेंड कीज के अंदर गाइस पहले वो मंथ ले रहा है। सो मंथ में लेट्स से कि हमें नवंबर मंथ चाहिए, सो 11 लेट्स से हमें डेट चाहिए 21, तो ये 21, लेट्स से ईयर चाहिए हमें 20
2020 लाइक दिस। तो इस तरीके से आप सेंड कीज पास कर दो एंड इट शुड वर्क एक्चुअली। आई एम नॉट श्योर दो बट लेट्स गिव इट अ ट्राई एवरीवन। या फिर जो मैंने आपको कोड बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको एक जावास्क्रिप्ट रन किया था डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यू गाइस कैन यूज दैट एज वेल। आई थिंक इट हैडंट और इट इज नॉट एबल टू रिमूव इट। व्हाट इज द इशू, क्या इशू है? द इशू इज जावास्क्रिप्ट एरर, एट्रीब्यूट इज नॉट डिफाइंड, एट्रीब्यूट्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, इज दैट एट्रीब्यूट? यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है क्या गाइस? क्या एट्रीब्यूट्स होता है? आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स होता है, सॉरी, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जीरो, सॉरी माय बैड, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जीरो होता है। नाउ इट शुड वर्क। मैं एट्रीब्यूट रिमूव करने के चक्कर में मैंने शायद एट्रीब्यूट लिख दिया यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जीरो। नाउ दिस शुड वर्क। नाउ एवरीवन, डेट एंटर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस सर। बाय दिस वे यू गाइज वुड बी एबल टू यू नो रिमूव द एट्रीब्यूट। सो यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट, ये सेम है गाइज, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जीरो। सिर्फ यहाँ पे कौन सी मेथड को आप लोग कॉल करोगे? यू विल बी कॉलिंग द रिमूव एट्रीब्यूट। रिमूव एट्रीब्यूट। इसमें कौन सा एट्रीब्यूट रिमूव करना है वो देखो, इसका नाम दे दो, और जो वेब एलिमेंट आपने फाइंड आउट किया है उसको पास कर दो एज एन आर्ग्यूमेंट। दैट्स इट, इट शुड वर्क। एनी क्वेश्चन हियर गाइस इस रिमूव एट्रीब्यूट पे? एनी क्वेश्चन रिमूव एट्रीब्यूट पे एनीवन? सो गाइस इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट लेट मी टेल यू दिस कि दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। ये करेक्ट वे नहीं है। क्यों करेक्ट वे नहीं है? चलो मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आ गया गाइस। अगेन दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ डेट पिकर, ये कम्प्लीटली डिफरेंट था। यहाँ पे आप मंथ बैक जा सकते थे, ये कम्प्लीट डिफरेंट है। इसमें प्रीवियस, टूडेज डेट, नेक्स्ट डे, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, राइट? देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। यहाँ से आप मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके की भी आपको डेट पिकर मिलेंगे। सो हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू हैंडल सच सॉर्ट ऑफ सिनेरियोस? तो इसको भी अगर आप देखोगे तो ये भी गाइज डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं टाइप कर रहा हूँ, ये डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करने जाओगे, इफ यू गो एंड इफ यू इंस्पेक्ट इट एवरी वन, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो देखो ये डेट पिकर टू है। इस डेट पिकर टू में भी कहीं पे गाइस, डेट पिकर टू के अंदर कहीं ना कहीं पे एक एट्रीब्यूट जरूर रहेगा। ये क्लास है, ओके जस्ट अ मिनट, दिस वन गाइस, ये वाला डेट पिकर है, दिस वन इज द डेट पिकर। ओके अच्छा, क्या यहाँ पर रिमूव एट्रीब्यूट है क्या? कोई कुछ एट्रीब्यूट है गाइस यहाँ पर? नो राइट, एट्रीब्यूट ही नहीं है। तो इसमें कैसे करोगे फिर? इफ 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 इट इज नॉट देयर, आप यहाँ पर ये चीज नहीं कर सकते। ये कभी कभी चल जाता है, इस तरीके से चल जाता है जो मैम ने रिमूव एट्रीब्यूट किया, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? हाउ एग्जैक्टली यू कैन यू नो सिंपली यू गाइस कैन डू इट? तो सबसे पहले आपको रीड ओनली कंडीशन कौन सी है वो आपको देखनी पड़ेगी। यू नीड टू डू दैट, आपको ये करना पड़ेगा। ये पूरा आपका डिव टैग है, इस डिव टैग के अंदर ये आफ्टर वगैरह कुछ दिया है इन लोगों ने। ओके, तो जो कुछ है इस डिव के अंदर है, ये इनपुट टैग है, ये डेट पिकर वाला है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला कुछ एट्रीब्यूट है। अगर मैं ये एट्रीब्यूट हटा दूंगा तो क्या कुछ हो सकता है कि ये हम लोग ट्राई करते हैं? तो ये क्लास एट्रीब्यूट को हम लोग हटाने का ट्राई करते हैं। सो एवरीवन, ये रीड ओनली नहीं है, ये हमें ये वाला क्लास वाला एट्रीब्यूट हटाना है और डेट पिकर टू से हटाना है। आई एम नॉट श्योर ये वर्क करेगा, तो ये अनडिफाइंड है। ओके, तो जैसे नाउ गाइस ये टेक्स्ट फील्ड में कन्वर्ट हो गया, कैन यू सी गाइस? एवरीवन देखो, 12, लेट्स से 12 डेट है, 12/12/2020, इस तरीके से मैं सेव करता हूँ एंड मैं एंटर करता हूँ, डन।
माय वर्क इज डन, राइट एवरीवन, माय वर्क इज डन. सो यहाँ पर भी ये चल रहा है, रिमूव एट्रीब्यूट का भी चल रहा है. तो अगर आपको इस तरीके से वर्क करना है तो आप इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो. दिस कैन बी यू नो डूएबल. सो आई होप एवरीवन आप लोग समझ गए हो हाउ टू रिमूव द एट्रीब्यूट, करेक्ट एवरीवन. एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कैसे रिमूव करना है ये समझा होगा. बट गाइस आप यूआई के साथ नहीं खेल रहे हो, आप कोड के साथ खेल रहे हो. आप जो डेवलपर ने कोड दिया है उसमें से एक एट्रीब्यूट सर्टन, हाँ ये परमानेंटली रिमूव नहीं होता, इसको आप, इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा, ये वहाँ के वहाँ पे वैसे के वैसे आ जाएंगे. देखो ये अगर मैं इसको अभी इंस्पेक्ट करूंगा, ये रीड ओनली यहाँ पर आ गया होगा एवरीवन, डेफिनेटली ये रीड ओनली यहाँ पर आ गया होगा. हाँ तो आप ये परमानेंटली नहीं कर रहे हो, सर्टन ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो. तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा चलेगा तो गाइस दिस कैन बी द गुड एग्जांपल. बट अगर नहीं चलेगा तो तो आपको थोड़ा सा लॉजिक बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लॉजिक यू नो इम्प्लीसिटली यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा एंड यू नीड टू डू इट एवरीवेयर, ठीक है. सो गाइस डेट पिकर को पहला वाला कंडीशन सिंपली अगर ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह काम कर रहा है तो दैट्स ऑल ओके, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोग कर सकते हो. ये जो सेकेंड वाला गाइज मैंने आपको तरीका समझाया, ये समझा क्या सबको एवरीवन, इज एवरीवन इज क्लियर विद दिस सेकेंड अप्रोच, सेकेंड वे करेक्ट क्लियर है सबको गाइज, सेकेंड वे एवरीवन, सेकेंड वे करेक्ट क्लियर है क्या सबको, हाउ टू रिमूव द एट्रीब्यूट. इसमें किसी को क्वेरी है क्या, एनी वन, सुयोग, आदित्य, अविनाश, फिर से बताओ ना वो सेकंड वाला कौन सा, अभी आपने बोला वो सेकंड, ये रिमूव एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट नहीं समझा, ये समझा, ये समझा. तो यहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ ये वाले बॉक्स का बोल रहे हैं आप, राइट? हाँ हाँ, तो उसका भी एक एट्रीब्यूट था रविंद्र, आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर पेइंग अटेंशन और नॉट. यहाँ पर एक एट्रीब्यूट था सिंपली, वो इसको अगर आप देखोगे तो ये वाला क्लास एट्रीब्यूट है, मैंने इसको सिर्फ रिमूव किया क्लास, क्लास एट्रीब्यूट को, और मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ रिमूव एट्रीब्यूट में, रिमूव एट्रीब्यूट में रीड ओनली की जगह पे मुझे क्या एंटर करना है, मुझे क्लास एंटर करना है बस, और कुछ नहीं है. स्टिल इफ समवन वांट्स मी टू डू इट गाइस लेट मी डू इट. तो ये पूरा का पूरा मैं ले लूंगा लाइक दिस, I can take it. ये मैं इसको डेट पिकर 2 बोल देता हूँ. यहाँ पर मेरा ID is equals to 2 आ जाएगा, ये सेकेंड वेब एलिमेंट के लिए है. सेम अभी जावास्क्रिप्ट को मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है. I can do it like this. मैं इस तरीके से कर सकता हूँ. I'm just simply copy pasting the code everyone. You don't do it. ये रीड ओनली के जगह पे मुझे क्लास एट्रीब्यूट को रिमूव करना था रविंद्र, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना था मुझे. यहाँ पे डेट पिकर 1 पे नहीं करना, मुझे डेट पिकर 2 पे करना है. एंड कुछ वैल्यू मैं दे देता हूँ लाइक 12 12 20 20 लाइक दिस. इस तरीके से मैंने डेट दे दिया. नाउ इफ आई रन इट, डेट पिकर 2 करना, क्या बोल रहे हो सर, डेट पिकर 2 डॉट सेंड. ओके सेंड कीज मैंने गलत किया क्या, सॉरी, डेट पिकर डॉट 2. ऑलराइट ये हो गया एंड ये भी हो गया, राइट एवरीवन, डन, योर वर्क इज डन, योर वर्क इज डन, ठीक है. तो ये दोनों चीजें हो रही है. या फिर यहाँ पर अभी ये कैलेंडर ओपन है तो यहाँ पर नॉर्मली आप जैसे टैप करोगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पर भी टैप करोगे हट जाएगा. तो अगर आपको टैप करना है फिर से यहाँ पर, वंस यू डन विथ इट, यहाँ पर ये कीज करने के बाद ओके, यहाँ पर आप कॉमा भी कर सकते हो. एंड इसी में गाइस मैं मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकता हूँ. तो यहाँ पर मैं कीज क्लास का यूज़ करूँगा, कीज डॉट, कीज डॉट, यहाँ पर मैं टैप की को पास कर दूंगा लाइक दिस. यहाँ पर मैं कीज, कीज अगेन गाइज ये कीज क्लास है, कीज क्लास है, कीज के अंदर ये स्टैटिक आपके लिए यू नो वैल्यूज बनाया गया है. कीज डॉट अगेन मैं टैब इस की को कॉल करूँगा लाइक दिस, ठीक है. तो अगर आप इसको देखोगे तो दिस कुड बी द मोर अप्रोप्रिएट वे अगेन.
डेट सेट होगा, टैब हो जाएगा, डेट सेट हो गया, टैब हो गया, क्लियर एवरीवन? इज एवरीवन क्लियर विद इट गाइस? यस सर. वी डिडंट डिड एनीथिंग, हमने सिर्फ रिमूव एट्रीब्यूट किया. बट गाइस लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे. बिकॉज व्हाई गाइस, व्हाई दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे? बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग द कोड और वी आर रिमूविंग द एट्रीब्यूट. हाँ भले वो सम टाइम के लिए कर रहे हैं, थोड़े से टाइम के लिए कर रहे हैं, हमारे सिनेरियो से बेस्ड ये परमानेंटली नहीं होता है. अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ से ये एट्रीब्यूट हट जाएंगे एंड ये प्रॉपर अपने चीज में आ जाएगा. जो भी आपने कोड किया था वो टेम्पररी था, वो आपने कोड रिपोजिटरी में, इस वेबसाइट के रिपोजिटरी में ऐड नहीं किया है, ये याद रखो. तो यस, कोई कोई लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई कोई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो उस केस में अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो गाइस आपके ऊपर एक ही ऑप्शन आता है कि आप लोग इसको नॉर्मल तरीके से हैंडल करो. यू नीड टू हैंडल इट यू नो वेरी प्रॉपरली. तो सबसे पहले आप लोग ये एरो बटन करते रहो टू सिलेक्ट द प्रॉपर मंथ एंड प्रॉपर ईयर. जब तक नहीं आता इसके लिए आपको कुछ वाइल लूप लगाना पड़ेगा. यू नीड टू थिंक अबाउट इट. इस तरीके से आप लोग इसको हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो ये आपको सोचना पड़ेगा. लेट्स डू इट ऑन अनदर वेबसाइट. अनिल हमने कौन से वेबसाइट पे किया था प्रीवियसली? अनिल यू आर देयर? कुछ याद आ रहा है हमने किसी वेबसाइट पे किया था? ओके लेट इट बी. हम कोई भी वेबसाइट पे कर सकते हैं गाइस. लेट्स फाइंड आउट एनी वेबसाइट. लेट्स से बुक माई शो, बुक माई शो को ही ले लेते. सर कैलेंडर कहाँ पे आता है? यहाँ पे. अच्छा ये बहुत ज़्यादा अच्छा. आई वी कैन गिव द प्रॉपर यू आर एल एज वेल. तो लेट्स से मूवी 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 का डेट सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, राइट? ओके व्हाट आई एम डूइंग. ओके ऑल राइट गाइज लेट मी डू इट ऑन अनदर वेबसाइट. लेट्स से रेडबस, रेडबस ले लेते. अच्छा रेडबस पे किया था हमने. ओके हाँ रेडबस. हाँ गाइज यहाँ पर यू गाइज कैन डू इट. तो थोड़ा सा अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसको अगर आप देखोगे तो एवरीवन ये जो रिमूव एट्रीब्यूट है इसको अगर आप करने जाओगे, देखो इसको भी इंस्पेक्ट करो. द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम समझना जरूरी है जब आप रिमूव एट्रीब्यूट कर रहे हो. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर, व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर गाइज? ये डेट है, ये पर्टिकुलर यू नो ये लेबल वाला डेट है, दिस इज द डेट. और ये वाला पर्टिकुलर इनपुट है. तो इस इनपुट से गाइज ये जो रीड ओनली एट्रीब्यूट है इसको मैं हटा रहा हूँ. तो देखो आईडी इज दिस वन ऑनवर्ड. यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट. मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने यूज़ किया. एंड इनसाइड इट गाइज मैंने ये वाला आईडी पास कर दिया, दिस वन. ये मैंने आईडी पास कर दिया, ठीक है. और यहाँ पर डॉट मैं रिमूव, रिमूव एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ, रिमूव एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ लाइक दिस. रिमूव एट्रीब्यूट, और रिमूव एट्रीब्यूट कौन सा करना है मुझे? मुझे रीड ओनली एट्रीब्यूट को हटाना है. आई वॉन्ट टू रिमूव दिस रीड ओनली एट्रीब्यूट. तो अगर मैं इस रीड ओनली एट्रीब्यूट को हटाने जाता हूँ, ओके तो ये हट गया गाइस, प्रोबेबली ये हट गया. एंड यहाँ पर अभी मैं सेंड कीज करता हूँ, लेट्स से 21 या फिर हाँ चलेगा 21 या फिर 12 20 22 लाइक दिस. मैंने ऐसा डेट दे दिया, यहाँ पर मैंने ऐसा डेट दिया एंड डन. मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो ये डेट सेट हो गया गाइस, दिस डेट गॉट सेट. बट मुझे बताओ क्या ये कैलेंडर पे डेट सेट हुआ है क्या? इज दैट डेट गॉट सेट टू द कैलेंडर? ये यहाँ पर तो डेट दिखा रहा है. अगर मैं ये वाला डेट दिया और मैंने सर्च गाइस, मैंने ये दिया और सर्च पे क्लिक किया, तो इस केस में मुझे बताओ ये कौन से डेट का आपको बस बुकिंग दिखा रहा है? ये कौन से डेट का बुकिंग दिखा रहा है? 31 मार्च. क्या हमें ये
12 दिसंबर 2022 का डेट बता रहा है क्या एवरीवन? नहीं, तो क्या रिमूव एट्रीब्यूट करने के वजह से हमारा काम हुआ क्या यहाँ पर? नहीं राइट, हमारा काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, बहुत सारी जगह पे हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द जगह पे आपका यहाँ पे काम ये हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे हो गया, बट कभी कभी आपको इस तरीके से ये हैंडल नहीं होगा, तो यू नीड टू डू इट वेरी प्रॉपरली एवरी वन, यू नीड टू डू इट वेरी प्रॉपरली। सो वॉट वॉट आई कैन सजेस्ट हियर एवरी वन, अगर मैं एक और वेबसाइट ले लेता हूँ, लेट्स से गो आई बीबो करते हैं, दिस वन गो आई बीबो वेबसाइट, इस पे लेट्स से वी वॉन्ट टू डू द फ्लाइट बुकिंग, चलेगा दिस वन गाइज, ये डेट है तो ये तो कुछ अलग ही है राइट, तो इसको आपको इस फॉर्मेट में ही डेट सेट करना पड़ेगा। तो देखो इसको अगर मैं यहाँ पर देखने जाओगे गाइस, तो कुछ दिख रहा ही नहीं है, इस कौन से एट्रीब्यूट को आप रिमूव करोगे? ओके, ये क्लास एट्रीब्यूट को रिमूव करना है क्या? बट सबसे पहले तो इस एलिमेंट को फाइंड कैसे करोगे, ये एक दिक्कत है, इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं दिया है। सो हियर गाइस, एलिमेंट का आईडी नहीं है, नेम नहीं है, कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। चलो मैं ये बाय यूजिंग दिस क्लास अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, करके देखते, करने में कुछ नहीं है गाइस। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाय क्लास यूज करना पड़ेगा, बाय गेट एलिमेंट बाय यूजिंग अ क्लास नेम, एंड हियर वी नीड टू पास दिस क्लास, ये क्लास हम लोग दे देंगे। ओके, तो ये HTML कलेक्शन आ रहा है गाइज, वी आर गेटिंग इट। ओके, आई एम नॉट श्योर, डॉट रिमूव रिमूव एट्रीब्यूट, या फिर ये लिस्ट है ना, इसको मैं इंडेक्स ऑफ इसका जीरो बोलता हूँ, लाइक दिस इंडेक्स ऑफ जीरो, नाउ आई एम गेटिंग इट, मुझे ये मिल रहा है इंडेक्स ऑफ जीरो पे डॉट रिमूव रिमूव एट्रीब्यूट, अगर मैं करता हूँ रिमूव एट्रीब्यूट, आई एम नॉट श्योर गाइज दो, आई एम नॉट श्योर, अगर मैं ये क्लास एट्रीब्यूट हटाता हूँ तो इसके वजह से क्या होगा देख लेते हैं। सो दैट इज डन, ये हो गया गाइज यहाँ पर, बट आर वी एबल टू टाइप इट एनी थिंग हियर, आर वी एबल टू टाइप इट एनी थिंग हियर गाइज, हो रहा है क्या? नो राइट, कुछ चीजें नहीं बदली। तो हियर गाइज, ऐसे सिनेरियोज में आपको यू नीड टू सिलेक्ट द प्रॉपर डेट, आपको प्रॉपर डेट सिलेक्ट करना ही पड़ता है। सो हाउ एग्जैक्टली यू गाइज वुड बी एबल टू डू दैट, आप ये सारी चीजें कैसे करोगे ये आप लोग समझो। कि लेट्स से गाइज, लेट्स से मैं इसको ओके, लेट्स कम अप ऑन द दिस रेड बस इटसेल्फ। ओके, मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूँ guys, this is all trial and error, unless and until you are not performing it by yourself, ye sari cheeze you know sari cheeze work nahi karegi, ye sari cheeze nahi samjhegi unless and until aap isko nahi kar rahe ho tab tak, theek hai? Now we have this input tag guys, ye input tag hai, is input tag mein mujhe set karna hai kuch date, I need to set the date on it, mujhe is pe date set karna hai, to kaise karunga main, how exactly I'm going to do that, is pe set karte guys ye calendar aa raha hai, सो आई नीड टू फाइंड आउट, आई नीड टू फाइंड आउट द एक्सपाथ फॉर दिस, तो स्पेसिफिकली मुझे इसका ये करंट डे, देखो ये करंट डे एट्रीब्यूट अगर मैं बोलूँगा तो ये करंट डेट सिलेक्ट हो जाएगा, यू विड बी एबल टू डू इट लाइक दिस, आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो देखो गाइज यहाँ पर double slash td, इस td के अंदर गाइज @ क्लास आपको देना पड़ेगा, दिस वन ये करंट डे का है, तो ये गाइज आपको करंट डे आ रहा है, बट गाइज अगर आप पास्ट डे बोलोगे, करंट डे का तो कुछ नहीं है, करंट डेट आप बोल सकते हो, पास्ट डे अगर आप बोलोगे तो पास्ट डे इतने सारे है, और पास्ट डेट सिलेक्ट भी नहीं होगा पहली बात तो पास्ट डेट का छोड़ दो, बट फ्यूचर का किसी को बुक करना है गाइज, समवन वॉन्ट्स टू बुक फॉर द टुमोरोज डेट, तो आप कैसे करोगे? सो दैट यू नीड टू थिंक अबाउट, आपको ये करंट डे पे सोचना पड़ेगा। तो गाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, double slash
सिबलिंग सिबलिंग यूज कर सकते हो, सिबलिंग टीडी, तो सिबलिंग टीडी करंट डेट। अच्छा ये एक ओके, सिबलिंग सिबलिंग का स्पेलिंग करेक्ट है क्या गाइस? करेक्ट तो है, ओके ऑल राइट। तो आप यहाँ से करंट डे पे चले गए, यहाँ से आप पेरेंट टी आर पे चले जाओ, ठीक है, पेरेंट टी आर पे, ओके। या फिर मैं ऐसे यूज करूँगा इसको, शायद वर्क करे। फॉलोविंग फॉलोविंग सिबलिंग, फॉलोविंग सिबलिंग टी डी, हाँ ये देखो नेक्स्ट डे आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, नेक्स्ट डे का भी कर सकते हो, बट अगर एक स्पेसिफिक वेब एलिमेंट करना है तो आप कैसे करोगे? तो लेट्स डू इट एवरीवन, लेट्स डू इट फॉर द टुडेज डेट। हम लोग आज का डेट सिलेक्ट हो रहा है कि ये हम लोग देखते हैं, तो आपको ये पता है इसको आपको कैसे करना है। दिस इज द ओके, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओके, ये डेट पिकर गाइस, ये डेट फिगर मैंने आपको रिमूव एट्रीब्यूट वाला समझाया और इस पर रीजन भी बताया व्हाई दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे। ये आपको समझाया क्या पहली बात गाइज, रिमूव एट्रीब्यूट से कैसे करना है और ये क्यों अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, समझाया सबको? एवरीवन एवरीवन इज एवरीवन इज क्लियर विद दिस दिस थिंग गाइज? यस नो मे बी कुछ आंसर्स रिस्पॉन्स? यस सर। ऑल राइट चलो, देन वी हैव लेट्स से माई डेट फिगर, लेट्स कीप इट माई डेट पिकर टू और इसको नॉर्मल तरीके से हैंडल करते हैं। हाउ टू डू दैट गाइज, इसको माउस एक्शन से करना है, ये याद रखो, ठीक है? सो सिंपली वी विल बी कॉपिंग सर्टन लाइन्स ऑफ कोड, सर्टन लाइन ऑफ कोड हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है? ये आपके लाइन ऑफ कोड आ गए। देन गाइज आई नीड टू गो टू द रेड बस, तो ये मैं रेड बस पे चले गया। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, नॉट नेसेसरी कि रेड बस पे ही जाना है, ये जनरली आपका ट्रैवलिंग वेबसाइट पे गाइज, ये जो रिमूव एट्रीब्यूट है बुकिंग वेबसाइट पे काम नहीं करता है, ठीक है? सो ऑलराइट, देन वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सपाथ, ओके। द फर्स्ट थिंग आपको इसका एक्सपाथ लेना पड़ेगा, तब जाके ये कैलेंडर आ रहा है। इसका जो एक्सपाथ है दैट इज कैलेंडर, ऑनवर्ड कैलेंडर, डी वाई डी इज इक्वल्स टू ऑन इनपुट गाइज, यहाँ पे इनपुट है, इनपुट ओके, ऑनवर्ड कैलेंडर, और इसको मैं डेट पिकर बोलता हूँ, ओके। लेट्स गिव इट अ डेट पिकर, डेट पिकर बोल दिया, ठीक है? ये एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अगेन गाइज इस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा तब जाके कैलेंडर आएगा। सो डेट पिकर डॉट मुझे क्लिक करना पड़ेगा। वंस आई बी क्लिकिंग ऑन इट गाइज, मुझे कैलेंडर अपीयर होगा। इस कैलेंडर में से गाइज सिंपली लेट्स से मुझे टूडेज का बुकिंग करना है, आज का बुकिंग करना है, तो लेट्स से टूडे, मैं टूडे बोलता हूँ एवरीवन, टूडे, और टूडे का एक्सपाथ कुछ ये वाला है टी डी, दिस वन, ये एक्सपाथ मैं ले लेता हूँ। लेट्स सिंपली लेट मी पेज दिस एक्सपाथ, टूडे का एक्सपाथ मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ एवरीवन टूडे टूडे डॉट टूडे डॉट मुझे क्लिक करना, ओके। हम लोग डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो माउस एक्शन से करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली हो रहा है तो अच्छी बात है गाइस, नहीं तो माउस एक्शन यूज़ कर लो, ठीक है? लेट्स सी नॉर्मली क्लिक हो रहा है क्या यहाँ पे टूडे डॉट, मैं क्लिक को कॉल करूँगा एंड एवरी वन प्रोबेबली वी विल बी एबल टू डू दैट बाई यूजिंग दिस थिंग इट सेल्फ। तो देखो ये आज का डेट सिलेक्ट कर रहा है कि ये हमें देखना है ऑन द रेड बस इट सेल्फ। गाइस यहाँ पर आपका डेट वाले इस पर क्लिक होगा, डेट पिकर आएगा टुडेज डेट, गाइस ये सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो एवरीवन? दिस टुडेज डेट गॉट सिलेक्टेड, लाइक दिस आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपको प्री नेक्स्ट डे पे सिलेक्ट करना है, देखो इस पर प्रीवियस डेट तो ब्लॉक है, आपको नेक्स्ट डे पे करना है तो आप सिंपली एक्सपाथ चेंज कर दो, एक्सपाथ चेंज कर दो लाइक दिस। मैं एक्सपाथ ले लेता हूँ गाइस, तो इस पे एक्सपाथ में मैंने ये फॉलोइंग सिबलिंग, तो फॉलोइंग सिबलिंग टी डी, तो ये 31st का डे मुझे सिलेक्ट करना है। तो दिस इज़ योर एक्सपाथ एवरीवन, दिस इज़ योर एक्सपाथ। तो लेट मी टेक इट, मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ थ्रेड डॉट स्लिप लगा देता हूँ आपके लिए, थ्रेड डॉट
स्लिप लगा देता हूँ ताकि ये आज का डेट सिलेक्ट हो जाए। 2 सेकेंड के बाद गाइस हम लोग अगला डेट सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले डेट पिकर पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, दैट इज अगेन द मैंडेटरी। ये आ गया मेरा डेट पिकर डॉट क्लिक वंस अगेन। देन एक और चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, टुडेज की जगह पे मैं टुमारो लिख दूंगा यहाँ पे, टुमारो। ठीक है, टुमारो में एवरीवन करंट इंस्टेड ऑफ दिस वी नीड टू यू नो जस्ट पेस्ट दिस एक्सपात। इस एक्सपात के जगह पे ये अगले डेट का एक्सपात आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, एंड एवरीवन टुमारो डॉट क्लिक एंड जस्ट सिंपली एट दिस रोज डिक्लेरेशन एंड लेट्स सी गाइस। ये पहले 30 डेट सेलेक्ट करना चाहिए, फिर कैलेंडर पे क्लिक करना चाहिए, फिर 2 सेकेंड के बाद गाइस कल का डेट सिलेक्ट होना चाहिए। देखो 30 डेट आफ्टर द टू सेकेंड गाइस 31st डेट सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन गाइस। यस यस, सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू कैन फाइंड आउट द यू कैन यू नो हैंडल द डेट पिकर। बट एवरीवन अगर आपको नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर का करना है तो क्या करोगे, वॉट टू बी डन देयर गाइस? क्या आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पे जाओगे तो इसमें ये वाला एक्सपात सबसे पहले देखो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, और ये वाला सॉरी द एक्सपात दैट वी जस्ट कॉपीड हियर कहाँ पे था, दिस वन एक्सपात मैं ये ले लेता हूँ। एंड गाइज मैं ये एक्सपात करता हूँ, क्या ये एक्सपात विजिबल है? इज दैट एक्सपात इज विजिबल? क्योंकि सिंपली गाइज ये मंथ पहले यूआई पे है ही नहीं, तो जब तक ये मंथ चेंज नहीं होगा, जैसे मंथ एंड आएगा या फिर मंथ चेंज होगा गाइज 31st के बाद गाइज कल आके अगर आप देखोगे, अगर वो वेब एलिमेंट दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट वाला तो अच्छा है, अगर नहीं दिखा रहा है तो आपका एक्सपात फेल हो जाएगा। तो उस केस में आपको पहले बात तो इसका एक्सपात निकालना पड़ेगा, अगेन ये एसवीजी टैग के अंदर रहेगा तो यू नीड टू फाइंड आउट। ओके ये बटन है तो दैट इज़ नॉट द बिग डील, आप नॉर्मली इसको कर लो, हो जाएगा ये। ठीक है तो ये बटन पे क्लिक करो, बट कब तक करना है गाइस, कब तक करना है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ वाइल लूप वगैरह लगाना पड़ेगा, यू नीड टू चेक वाइल दिस मंथ अप्रैल तक जाना है और ईयर 2022 तक जाना है कि कहाँ तक जाना है, या आपको ऐसा कुछ वाइल लूप कंडीशन लगाना पड़ेगा। तब तक आप यहाँ पे क्लिक करते रहोगे, मतलब वो वाइल लूप में ये क्लिक करते रहेगा, अप्रोप्रिएट मंथ में जाएगा, आपको प्रॉपरली उसका एक्सपात देना पड़ेगा, उस डेट का आपको एक्सपात देना पड़ेगा। राइट 18 का है तो 18 आप एज एन वेब एलिमेंट में एक्सपात दोगे और ये 18 डेट सेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक्सपात हैंडल करना होता है, इस तरीके से डेट पिकर हैंडल करना होता है। क्लियर एवरीवन हाउ टू हैंडल द डेट पिकर? इसके रिलेटेड आप नवीन या फिर SDET का वीडियो जाके देख लोगे तो आपको और भी आइडिया आ जाएगा। आई थिंक उन लोगों ने कुछ ना कुछ कंडक्ट किया होगा, डेफिनेटली किया होगा इसके ऊपर गाइस। तो जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया हाउ टू डू दैट, और थोड़ा डिटेल में आप कहीं से वीडियोज वगैरह देखे गाइस। मैं ये क्यों चाहता हूँ आप करो, वीडियो देख के करो, क्योंकि मैं दिखाऊंगा, मुझे पता है आज के दिन आप सुन लोगे, कल इसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। सो जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ऐसे सिनेरियोस गाइस, पहली बात ये हर दिन ऐसे सिनेरियो नहीं आते, अनलेस एंड अंटिल आप कोई ट्रैवल बुकिंग किसी पोर्टल किसी बुकिंग वाले पोर्टल या फिर किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे या फिर उसके प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो तब ये चीज़ें नहीं आती है। बट हाँ अगर कर रहे हो तो ये वंस इन अ ब्लू मून ऐसे सिनेरियोज आते हैं, तो इसके लिए भी आप लोग रेडी होने चाहिए हो। ठीक है एवरीवन, क्लियर हाउ टू हैंडल अ डेट पिकर गाइस? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट?